जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने आमजन से अपील की है कि जिले में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, दवाइयां, रसद सामग्री आदि की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है, अतः घबराहट में इन चीजों का अनावश्यक भंडारण नहीं करें। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल एवं जिला पुलिस अधीक्षक हैदर अली चैदी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों एवं मीडिया कर्मियों से वार्ता के दौरान कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम और बचाव के लिए मुख्यमंत्री स्वयं प्रतिदिन राज्य स्तर पर निगरानी रख रहे हैं। भरतपुर जिले की सीमा आगरा एवं हरियाणा से सटी होने के कारण संवेदनशील है। हालांकि जिले में अभी तक एक भी संक्रमित रोगी नहीं मिला, जो संतोष की बात है। उन्होंने कहा कि जिला मिथ्या रथ 44 लागू कर दी गई, जिसकी पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण का मुकाबला करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे कारगर उपाय है। इसके लिए 22 मार्च को प्रधानमंत्री की अपील पर जनता कर्फ्यू का पूर्ण पालन करे और सुरक्षित दूरी रखने को व्यवहार में लाए। जिला कलेक्टर ने कहा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोरोना वायरस संक्रमण बचाव एवं रोकथाम के लिए नोडल ऑफिसर बनाया गया है। व्यापारिक संगठनों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को बैठक कर उन्हें आम जन तक यह संदेश पहुंचाने के लिए कहा कि बाजार में जरूरी वस्तुओं की कोई किल्लत नहीं है, लोग बिना जरूरत घर से बाहर नहीं निकले। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि अपने प्रतिष्ठानों पर 50% कर्मचारी ही ड्यूटी पर बुलाएं, सैनिटाइजर की व्यवस्था रखें और इसका इस्तेमाल करें। व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक के साथ वार्ता में अपने प्रतिष्ठान खोलने का समय घटाकर प्रातः 11 बजे से 6:30 बजे तक करने पर सहमति व्यक्त की। धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में लोगों को घर पर ही रहकर पूजा अर्चना करने के लिए प्रेरित करने की अपील की गई। भरतपुर से संवाददाता कृष्णकांत शर्मा की रिपोर्ट। जैसलमेर में भी 2 विमान के माध्यम से 300 लोगों को लेकर आए हैं, तो कंट्री वाइज राज्य स्तरीय फैसला होगा कि कैसे कैसे लाना है। माननीय प्रवृत्ति है, हम अभी बुला रहे हैं इनको, व्यापार संगठन बुला रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है ना होनी चाहिए। नहीं सर, जैसे 22 तारीख का अनाउंस हुआ है उसी तरह से ये अनाउंस हो जाए, जनता के लिए बड़ा भी हो जाए।